महादेव की महाशिवरात्रि। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। शहर शहर महाशिवरात्रि की धूम है। उत्तराखंड के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं राजधानी देहरादून के शिवालय में भी सुबह से शिव भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे दिखाई दिए। आपको बता दें कि देर रात से हो रही बारिश के बावजूद भी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली सुबह से ही। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि शिवरात्रि के मौके पर बरसात का होना शुभ माना जाता है और भगवान शिव के जलाभिषेक को लेकर भक्तों में अटूट श्रद्धा होती है, जिसके चलते वो हर कठिनाई को पार कर मंदिर पहुंचते हैं बाबा को खुश करने के लिए। जलाभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक होता है। शिवरात्रि की धूम उत्तराखंड के हर मंदिर में आज देखी गई। अभी भी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त मंदिरों में चढ़ा रहे हैं जल, दूध, फल, फूल। शिवरात्रि के मौके पर बारिश का होना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और अमूमन ये देखा जाता है, खासकर उत्तराखंड की बात करें तो शिवरात्रि के मौके पर बारिश होती ही है। और इस बार भी बारिश के बीच शिव भक्त पहुंचे मंदिर। प्रदेश की राजधानी देहरादून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में महाशिवरात्रि की धूम है। सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। बम बम भोले के जयकारों के साथ गुंजायमान है मंदिर। हर कोई भोले बाबा को खुश करने के लिए मंदिर पहुंचा है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, बच्चे भी हाथ में जल का लोटा लिए बस कतार में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, जब वो जलाभिषेक करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं शिवालयों के बाहर लगी भक्तों की कतार। आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि होने के कारण सुबह बारिश होने के पश्चात भी सुबह 5 बजे से मंदिर में लाइनों के लाइन लगी है। लोगों के अंदर शिवरात्रि के प्रति अपार उत्साह है और थोड़ा बारिश होना भी शिवरात्रि के लिए अच्छा माना जाता है कि इसलिए बहुत सुबह से इतने श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर में। लाइन के लाइन लगे हुए हैं, बड़ी श्रद्धा से सुबह से जो है लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं, शिव जी को जल अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं। अजीत कांबो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से। अजीत, बारिश के बीच भक्तों का तांता शिवालय में लगा। टपकेश्वर महादेव पहचाना जाता है देहरादून में, किस तरह की तस्वीर है मंदिरों की? बिल्कुल पंकज, अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए या फिर सीधे तौर पर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो देवभूमि कहा जाता है और हर पर्व विशेष का यहाँ खासा महत्व होता है। शिवरात्रि की बात की जाए तो राजधानी देहरादून का जो प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ देर रात 12 बजे के बाद से ही जलाभिषेक को लेकर लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से बीते रोज से लगातार बारिश है और सुबह तक बारिश जारी रही, तो कहीं ना कहीं थोड़ी भक्तों की भीड़ में कमी जरूर देखने को मिली है। लेकिन काफी संख्या में जो भक्त हैं वो देवालयों की ओर रुख कर रहे हैं। लगभग सभी जो राजधानी के मंदिर है, भक्तों की काफी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। टपकेश्वर महादेव की अगर बात की जाए तो लगभग 500 मीटर तक लोगों की भीड़ यहाँ पर है। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जलाभिषेक को लेकर। और खास बात एक और है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है जनरल वी के सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं टपकेश्वर महादेव में। उन्होंने भी यहाँ पर जलाभिषेक किया है। देश प्रदेश की कामना की है कि सभी कुछ शांतिपूर्ण रहे, सभी कुछ व्यवस्थित चले, अच्छे तरीके से चले। तो शिवरात्रि के पर्व पर सभी लोग देवालयों में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत इस जानकारी के लिए। तो देर रात से ही मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगना शुरू हुआ 12 बजे के बाद, और बारिश का होना भी शुभ माना जाता है। शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता शिवालय में है। श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते दिखाई दिए और जल बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के लाखा मंडल में हर साल की तरह इस साल भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
लाखामंडल का इतिहास पांडवों से माना जाता है और कहा जाता है कि यहां आकर पांडवों ने महादेव की तपस्या की थी, जिसके बाद वे स्वर्ग की यात्रा पर चले गए। लाखामंडल में कई ऐसे शिवालिक और शिवलिंग हैं मौजूद, जिन पर आज भी शोध चल रहा है। आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर उनसे थोड़ा ज्यादा जानकारी लेते हैं। आशीष, जिसका इतिहास पांडवों से जुड़ा हो और इतना पुराना इतिहास, और आज की तस्वीर शिवरात्रि के मौके पर किस तरह से दिख रही है मंदिर में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आमतौर पर भी यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या पे श्रद्धालु पहुंचते हैं महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन जब बात करें अगर हम महाशिवरात्रि की, तो शिवरात्रि पर यहाँ आकर लोगों को एक अलग ही सुकून सा महसूस होता है। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर जो दृश्य है और जो महादेव की पूजा अर्चना करने का तरीका है, उससे पता चलता है कि लोगों में कितनी आस्था है, कितनी भावनाएं हैं महादेव के प्रति। और लोग यहाँ पर बेलपत्रिका और जो जल है, गंगा जल है, वो चढ़ा रहे हैं शिवलिंगों पर, और लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो बना हुआ है। जी, चलो नजर बनाए रखिएगा आशीष, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर मंदिर में बम बम भोले के नारे, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व जो है। अगर बात हरिद्वार की करें तो यहाँ भी बारिश के बावजूद भोलेनाथ के भक्तों की आस्था आज महाशिवरात्रि के अवसर पर कम होती कतई दिखाई नहीं दी, और भारी बारिश के बावजूद भोलेनाथ के भक्त दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज के दिन ही सती का विवाह कनखल में भोलेनाथ से हुआ था। कनखल राजा दक्ष की राजधानी और शिव का ससुराल माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजते हैं। तभी तो लगातार हो रही बारिश पर भी भक्तों की आस्था भारी पड़ गई। इसी जगह कनखल में हुआ था, ये भगवान शंकर की ससुराल है, और त्रयोदशी और चतुर्दशी फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि, इसे शिवरात्रि नहीं महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये भगवान शिव की विवाह रात्रि है। शिवरात्रि शब्द शुद्ध शब्द है, शिव विवाह रात्रि। भगवान शिव का सती से इसी जगह पर कनखल में विवाह हुआ था, इसलिए इस उपलक्ष्य में, भगवान शिव के विवाह की खुशी के उपलक्ष्य में, पूरे देश में हर शिवालय में शिव विवाह रात्रि का परंपरा मनाया जाता। सोवित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी सोवित। किस तरह से भक्तों में उत्साह दिख रहा है भोलेनाथ को खुश करने के लिए, किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? बिल्कुल आपने ठीक है पंकज, जिस तरह से लगातार हरिद्वार में क्योंकि कांवड़ी मेला भी चल रहा था, और आज भगवान भोलेनाथ का दिन है महाशिवरात्रि, और लगातार जिस तरह से कांवड़ियों की भीड़ और श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों में पहुंच रही थी, लगातार सुबह से ही जो बारिश का मौसम भी हो रहा है, ये भी कहा जा सकता है कि आज भगवान भोलेनाथ खुद प्रसन्न है, और आसमान से भी उनके ऊपर जल बरस रहा है, भगवान भोलेनाथ पर जल बरस रहा है, और लगातार भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। शिवालयों में जो जिस तरह से भीड़ आज उमड़ रही है श्रद्धालुओं की, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाता है हरिद्वार से, और लगातार क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी नगरी है, धर्म नगरी है, हरिद्वार से ही चारधाम की यात्रा भी शुरू होती है, और दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो है हरिद्वार में है, भगवान भोलेनाथ की ससुराल है, यहीं पे उनकी शादी हुई थी आज के दिन, और इसीलिए आज के दिन के रात्रि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी, और दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो भगवान भोलेनाथ की ससुराल है, आज के दिन वहीं पे विराजमान होते हैं, और भगवान भोलेनाथ का लगातार जल जो चढ़ाया जा रहा है। ये पंकज, चलिए शोभित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मान्यताएं हैं, और उस मान्यताओं के आधार पर महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को खुश करने की पूरी कोशिश हो रही है भक्तों द्वारा। हल्द्वानी में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के छोटे बड़े हर शिव मंदिर में, हर शिवालय में रुद्राभिषेक करने के लिए सुबह से ही लोग मंदिर में लाइन में खड़े दिखाई दिए। हालांकि मौसम खराब है, बरसात के बावजूद शिव भक्तों में उत्साह कम नहीं है। दिनेश पांडे जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, तस्वीर बताएंगे। दिनेश, क्या कुछ तस्वीर है? देखिए पंकज, लगातार देर रात से बारिश भी हो रही है, और अभी भी लगातार बारिश जारी है, बावजूद उसके जो भगवान भोले शंकर के भक्त हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। शहर के या ग्रामीण इलाकों के हर छोटे बड़े शिव मंदिर में आसपास के लोग और दूर दराज से बड़े मंदिरों में लोग पहुंचकर जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक,
शिव का भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और महाशिवरात्रि का पर्व भी इसी रूप से विशेष धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। खासकर हल्द्वानी के बड़े मंदिरों की बात की जाए तो हल्द्वानी में देरी पड़ाव में अष्टादश पूजा महालक्ष्मी मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसके अलावा हम सिर्फ प्रेम योग आश्रम है जहाँ हजारों की संख्या में हर साल लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ये वो मंदिर है जहाँ महारात्रि महाशिवरात्रि में ही विशेष रूप से जो है धार्मिक आयोजन होते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। तो अभी भी बरसात है, बावजूद इसके भक्तों में काफी जोश दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस जानकारी के लिए। तो शिव भक्तों में बरसात के बीच, बारिश के बीच उत्साह में कोई कमी नहीं है। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। अगर खटीमा की तस्वीर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर भी भक्तों का तांता है। चकरपुर क्षेत्र में स्थित पौराणिक बनखंडी महादेव मंदिर में 10 दिवसीय मेले का आगाज आज से हुआ है। बनखंडी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। हालांकि बीती रात से रुक रुक कर बारिश खटीमा में भी हो रही है, इसके बाद भी यहां उत्साह भक्तों का कम नहीं दिखाई दिया। शिवरात्रि मेले का उद्घाटन करने पहुंचे स्थानीय विधायक पुष्कर धामी ने कहा कि अपार आस्था के केंद्र वनखंडी महादेव के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में नई चेतना और उत्साह जागृत होगा। महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान स्वयं यहाँ पर जो है उपस्थित होकर इंद्रदेव जी भी आज वहाँ रुद्र का जो है यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं और हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे यहाँ पर बनखंडी महादेव का मंदिर है, ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है, जिससे ये मेला और ये महाशिवरात्रि का पर्व हम सबको एक नया उत्साह देगा, नई ऊर्जा देगा और हम सबके अंदर एक नई शक्ति का संचार करेगा। भगवान शिव सबका कल्याण करें। दीपक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी दीपक। शिवरात्रि के मौके पर शिवालय की तस्वीर और एक मेले का आगाज भी आज हुआ है, तो 10 दिन तक चलेगा। जी बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। पूरे देश में जो भक्त हैं वो महाशिवरात्रि पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और सीमा क्षेत्र खटीमा की बात की जाए तो यहाँ पौराणिक काल का वनखंडी महादेव मंदिर है जो चक्रपुर में स्थित है, उस पर भी अपार आस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि रात से यहाँ पर तेज बारिश चल रही है लगातार, लेकिन उसके बाद भी हजारों श्रद्धालु इस मंदिर पर भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अपार यहाँ पर आस्था लोगों की देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि पांडव काल में पांडव जब अज्ञातवास आए थे तो उन्होंने इस स्थान पर ही इस शिवलिंग की स्थापना करी थी। सबसे पुरातन काल से इस मंदिर की अपार आस्था लोगों के प्रति है। भारत के साथ साथ नेपाल के श्रद्धालु भी इस मंदिर पर पहुंचते हैं और 10 दिन से लगातार ये विशाल मेला यहाँ पर चलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। तो महादेव की महाशिवरात्रि आज है और भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक दुग्धाभिषेक हो रहा है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश हो रही है, खुश करने की कोशिश हो रही है, मनोकामना मांगी जा रही है।